भारत में होने वाली 25% मृत्यु का जिम्मेदार हार्ट अटैक है। दुनिया में हर एक लाख जनसंख्या पर 235 लोगों को हृदय रोग होते हैं, पर भारत में 272 को यह बीमारी होती है। इसीलिए हृदय रोग से बचाव और उपचार के लिए हमारे देश के लिए प्रासंगिक मार्गदर्शिका हो। भारत के अनेक अस्पतालों में औसतन उम्र जिस पर रोगी हृदय रोग के साथ इलाज के लिए आता है। जितने लोगों की मृत्यु हृदय संबंधी रोग के कारण भारत में होती है, उतनी मृत्यु दर किसी भी और रोग का नहीं है। हार्ट अटैक की संभावना कई लोगों को होती है। जानिए किन लोगों को सबसे ज्यादा हार्ट अटैक आने की आशंका होती है। डायबिटीज। जिन लोगों को एक लिमिट से ज्यादा डायबिटीज की समस्या है, तो उनकी नर्व्स में ब्लॉकेज होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसके कारण हार्ट अटैक की समस्या बढ़ जाती है। हाई ब्लड प्रेशर। जिन लोगों को हाई बीपी की समस्या होती है, उनका कोलेस्ट्रॉल भी अधिक बढ़ जाता है, जो कि हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। मोटे लोग। जिन लोगों का उनके हाइट से ज्यादा वजन हो जाता है, उन्हें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल होने की संभावना सबसे अधिक होती है, जिसके कारण इन्हें हार्ट अटैक जल्दी आने की आशंका रहती है। जेनेटिक। कहा जाता है कि कई ऐसी गंभीर बीमारियां होती है जो कि जेनेटिक होती है। उसी तरह हार्ट अटैक भी आपको जेनेटिक हो सकता है। यह समस्या उन लोगों को होती है जिन लोगों के माता पिता दिल की बीमारी हो। इससे बचने के लिए आप हेल्दी डाइट लें। ज्यादा स्मोकिंग करना। जो लोग हद से ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, उनकी हार्ट से ब्लड पहुंचाने वाली नर्व्स ब्लॉक हो जाती है, जिसके कारण हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। उम्र। बढ़ती उम्र के साथ साथ एक्सरसाइज में न ध्यान देने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिसके कारण हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। हमारी वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल बटन दबाना भी मत भूलना। नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज की लिंक पर जाकर लाइक जरूर करना। ये सुनकर कैसा लगा कमेंट जरूर करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत में होने वाली 25% मृत्यु का जिम्मेदार हार्ट अटैक है।